Ecat Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 11 Trigonometric Functions and Their Graphs. और इसमें आज हम जिस टॉपिक को डिस्कवर करेंगे वो है डोमेन्स रेंजेस एंड पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. यानी डोमेन्स जो होती हैं वो फंक्शन में हम लिखते हैं, ठीक है, ऑपरेट होती हैं और उससे जो वैल्यू आती है उसे हम रेंज कहते हैं. जैसे अगर फर्ज करें एक सिंपल फंक्शन की मैं बात करता हूँ f(x), ठीक है, तो इसमें फर्ज करें अगर ये 3x प्लस 2 के इक्वल है, तो अगर फर्ज करें इसमें मैं x 1 लिखूंगा तो मेरे पास जो f(1) की वैल्यू आएगी जो कि 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5, तो ये बेसिकली 5 रेंज है, ठीक है. ये तो एक सिंपल लीनियर फंक्शन के हवाले से मैंने बात की. अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से डोमेन और रेंजेस पर बात करेंगे जो कि MCQ के थ्रू हम समझेंगे. स्टूडेंट्स, MCQ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज, क्या रियल नंबर है, क्या इंटीजर है, क्या मतलब रियल नंबर में से अगर हम 1 और -1 के बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं वो निकाल लें तो वो है, या फिर हम रियल नंबर्स में से जो इवन मल्टीपल्स हैं पाई बाय 2 के, सॉरी ऑड मल्टीपल्स, यानी जैसे 90 डिग्री हो गया या फिर आप समझ लें 3π/2 270 डिग्री, इस तरह के एंगल्स निकाल लें तो क्या वो इसकी डोमेन होगी. अब इस बात को हमने समझना है, यानी डोमेन में हमेशा किसी फंक्शन की वो वैल्यूज आती हैं जिससे एक रेंज पॉसिबल हो, ठीक है. अगर फर्ज करें हमारे पास एक साइन फंक्शन है, ठीक, तो इसमें अब हम चूंकि हमने इस बात को यूनिट सर्कल से समझा था, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ कि जब हम अगर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जिसका रेडियस हम 1 रख लें यूनिट, ठीक है, इसे हम यूनिट सर्कल कहते हैं, ठीक है. ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया. अब इसका कोई एक पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्ज करें P, और अगर इसके x और y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया जाए तो अगर हम इस पॉइंट को जो ओरिजिन है से ज्वाइन कर लें, ये रोटेशन फर्ज करें एंगल थीटा है, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो किया जाए एक्स एक्सिस के ऊपर, तो जो ये डिस्टेंस होगा ए पॉइंट से पी पॉइंट तक, ये होगा वाई कोऑर्डिनेट, और वो हम वो हम ट्राइंगल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, यानी वाई ओवर वन वाई के. अब हमें पता चला कि जब वाई हमारा इस पॉइंट पर होगा, यानी जब 90 डिग्री एंगल होगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेकिन वाई 1 होता है. जब ये एक्स एक्सिस पर होगा इस पोजीशन पर, तो इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू यानी 0 होगी. जब ये डाउन द एक्स एक्सिस होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 होगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी, वाई के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ. तो इस तरह ओवरऑल चाहे हम क्लॉकवाइज रोटेट करें यानी नेगेटिव एंगल लें या पॉजिटिव, ये तमाम नंबर्स पर अब जो वैल्यू है वो दे रहा है. इसका मतलब कि हम थीटा एंगल कोई भी पुट करें, ठीक है, हमारा आंसर आएगा और उस वो एक खास इंटरवल के अंदर रहेगा, यानी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 1 होगा इससे छोटा होगा, या मिनिमम -1 होगा लेकिन इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, -1 से ग्रेटर और 1 से लेस इनके इस इंटरवल में रहेगा. इसका मतलब कि चूंकि ऑल थीटा की वैल्यूज पर ये नंबर्स यानी रेंजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए होगा हमारा यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें कोई स्किप नहीं कर रहे नंबर. जी अगर देखें तो वो रियल नंबर का सबसेट है, यानी इसमें सिर्फ वो नंबर आते हैं जो 0 जैसे +1 -1 +2 -2, लेकिन ये तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइंड है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही बेस्ट ऑप्शन होगा. स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQ सॉल्व करते हैं जिसकी स्टेटमेंट ये है कि डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज. अब इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, क्या हम तमाम रियल नंबर्स टेंजेंट फंक्शन के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं? चले हम इस बात को जरा चेक करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड से. अगर मेरे पास y=tan x ये या टेंजेंट थीटा ये फंक्शन है, ठीक है, हम इसमें ऐसा करते हैं कि जो थीटा है वो =90 डिग्री, ठीक है, जो रेडियंस में π/2 रेडियंस है ये पुट करते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है. हम इसे लिख सकते हैं टेंजेंट π/2, ठीक है. अब जो टेंजेंट फंक्शन है इसको हम साइन ओवर कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी ये बात हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई है, ठीक है. अब ये बात हम जानते हैं कि साइन फंक्शन जो है वो 90 डिग्री पे 1 वैल्यू देता है, जबकि कोसाइन फंक्शन 90 पे 0 वैल्यू देता है, जो कि अनडिफाइंड है,
अब 1 ओवर 0 क्या हो गया, अनडिफाइंड। इसका मतलब कि हमने ये बात पढ़ी थी कि डोमेन में हमेशा वो वैल्यू आती है जिससे रेंज जो है वो डिफाइंड हो, लेकिन हमने देखा पाई बाय 2 एक ऐसा एंगल है जिस पे कि डोमेन जो है वो मतलब रेंज जो है वो डिफाइंड नहीं हो रही। इसका मतलब हम तो ये नहीं पुट कर सकते, हम पाई बाय 2 नहीं पुट कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 3 पाई बाय 2 पुट करें, यानी 270 डिग्री, 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 पर साइन की वैल्यू होती है -1। चूँकि अभी से पिछले जो MCQs पे मैंने आपको ऑलरेडी बात समझाई है कि जब नेगेटिव मतलब y एक्सिस पे होगा पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट -1 होगा, ठीक है, 270 डिग्री, जबकि कोसाइन की वैल्यू वहाँ पे 0 होती है। इसका तो यहाँ भी अनडिफाइंड हो रहा है। फिर इसी तरह 5π/2 पे भी होगा, और अगर हम क्लॉक वाइज चलें तो -π/2 पे, -3π/2। इसका मतलब कि जितने भी मेरे पास ऑड मल्टीपल्स हैं पाई बाय टू के, वो सारे के सारे मैं अगर रियल नंबर से निकाल लूँ तो तब मेरा ये फंक्शन डिफाइन होगा उन नंबर्स पर। तो इसका मतलब डोमेन में फिर जो बी ऑप्शन में बात की जा रही है कि आप रियल नंबर में से वो तमाम नंबर्स निकाल लें जो कि पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल्स हैं। क्योंकि देखें ना, इसमें अगर आप के वन पुट करेंगे तो ये 2 1 2 + 1 3 बनता है, अगर 2 पुट करें 5 बनता है, 3 पुट करें 7, यानी ऑड मल्टीपल्स की बात की जा रही है। तो फिर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, जबकि ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम पाई के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। तो पाई पे जो वैल्यू होती है वो मतलब साइन 0 वैल्यू देता है, लेकिन कॉस जो होता है वहाँ पर -1 या मतलब 2π पे +1 वैल्यू देता है, जिससे कि इसको हम 0/1 0 कह सकते हैं, मतलब डिफाइंड हो रहा है। इसलिए सी ऑप्शन नहीं हो सकता और फिर डी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट MCQ समझते हैं जी, पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट के पीरियड ऑफ सीकेंट फंक्शन इज, यानी पीरियड वो पॉजिटिव एंगल होता है जिसको के गिवन एंगल में अगर पुट किया जाए, जो कि गिवन जो भी एंगल है उसमें उसको लिखा जाए, ऐड किया जाए, तो वही दोबारा वैल्यू रिपीट हो जाए। यानी अगर मैं सीकेंट फंक्शन की बात कर रहा हूँ, सीकेंट ऑफ थीटा प्लस अगर पी इसका पीरियड है तो इसका आंसर दोबारा सीकेंट थीटा ही आ जाए। तो हम कहते हैं कि ये पी उसका क्या है जी, पीरियड है। अब वो कौन सी वैल्यू हो सकती है, इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड से देखते हैं कि क्या सीकेंट पाई प्लस थीटा जो है ये इक्वल टू सीकेंट थीटा हो सकता है या नहीं। तो देखिए, हमने यहाँ पे बात पढ़ रखी है कि अगर हम लाइट एंगल फार्मूला के हवाले से देखें, अगर पाई हमारे पास इवन मल्टीपल है 90 का, तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 180 डिग्री बनता है पाई, तो ये सीकेंट के बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है सीकेंट प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये थर्ड बनता है, अगर थीटा एक हमारे पास एक्यूट एंगल हो, यानी लेस देन 90 हो। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो सीकेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है और यहाँ पे पॉजिटिव लिखा गया, इसका मतलब ये रॉन्ग है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर हम बी ऑप्शन की बात करें कि अगर पाई बाय 2 प्लस थीटा की बात करें और ये इक्वल टू सीकेंट थीटा के लिखा जाए, तो क्या ये पॉसिबल है। तो देखें, अब ये एक तो पहली बात के सीकेंट का मतलब यहाँ पे लाइट एंगल हम जो फार्मूला है टेक्निक उसको यूज़ करें, ये ऑड मल्टीपल सीकेंट जो है वो अपने जो इसका दूसरा फंक्शन को सीकेंट है उसमें तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे चूँकि क्वाड्रेंट जो बन रहा है वो सेकेंड, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी सीकेंट नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन ये नेगेटिव होना चाहिए था, इसका मतलब ये भी लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं आ रही हैं। इसी तरह अगर हम इस तरह हमने दोनों वैल्यूज़ को चेक किया, ए ऑप्शन भी नहीं बन रहा, बी भी नहीं बन रहा, ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, अब सी ऑप्शन पे जाते हैं। अगर हम सीकेंट यहाँ पे लिखते हैं थीटा की जगह 2π, ठीक है, और प्लस पी, तो क्या ये सीकेंट थीटा के इक्वल आता है। अब देखें, हमारे पास जो 2π है ये इवन मल्टीपल है 90 का, और इसमें ये एंगल ऐड हो रहा है, तो इसलिए फंक्शन सीकेंट ही रहेगा, तो ठीक है सीकेंट रहेगा। और दूसरी बात ये कि चूँकि क्वाड्रेंट फर्स्ट बनता है, ठीक है, इसलिए हम यूँ बात करेंगे, सॉरी बल्कि यहाँ पर मुझे पी में पी की वैल्यू 2π पुट करनी थी, 2π, तो ये वैल्यू जो है वो सीकेंट थीटा ही के बराबर आती है। इसका मतलब कि जो 2π है ये पीरियड है किसका जी, सीकेंट फंक्शन का। तो ऑप्शन सी हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इससे पहले एक यहाँ पे मैंने जब एक स्टेटमेंट लिखी थी तो उसमें एक छोटी सी कुरेक्शन मैं आपसे करना चाह रहा था कि जब मैंने पाई बाय 2 पुट किया था
तो इसमें मैंने कहा था कि ये चूंकि ऑड मल्टीपल है तो सिकेंड को सिकेंड में तब्दील होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा हमें एक जो एक लेफ्ट और राइट साइड में बराबर ना होने का सबूत है वो मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा कि साइन भी नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये रिलेशन, इसलिए बी ऑप्शन मैंने कहा था कि नहीं। और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि जीरो अगर थीटा में ऐड करें तो जीरो तो मैंने कहा था पॉजिटिव एंगल होता है, इसलिए मतलब पीरियड पॉजिटिव होता है, जीरो को हम शामिल नहीं करेंगे। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे फिर बेस्ट ऑप्शन होगा इस एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट है कि पीरियड ऑफ कोसाइन 3x प्लस 7 इज व्हाट, यानी कि हम आखिर 3x प्लस 7 में वो कौन सा एंगल ऐड करें कि हमें वापस वही वैल्यू मिले जो कि कोसाइन 3x प्लस 7 की है, ठीक है। अब असल में यहाँ पर जो बात है वो ये है कि जो हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, जैसे 3x, ठीक है, तो x जो वेरिएबल एंगल है, ठीक है, इसमें आखिर हम एक ऐसा एंगल ऐड करेंगे जो के मतलब जिसमें के हम ये समझ सकते हैं कि 3 जो है उसमें से कॉमन लिया जा सके, यानी चूंकि 2 पाई जो पीरियड है वो कॉस फंक्शन का, ये हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम अगर खुद से 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3/3 ये ऐड कर लें, ठीक है, ये नंबर ऐड कर लें और फिर प्लस 7 लिखें, तो हम ये बात देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास कोसाइन ऑफ ये 3 इन दोनों नंबर्स में से कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, यानी कोसाइन ऑफ 3 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर बल्कि ब्रैकेट मैंने नहीं लगानी थी, 3 कॉमन ले लें, एक्स प्लस 2π/3, ठीक है, इसको लिखें और प्लस 7 करें, तो इसका वही रिजल्ट आएगा जो कि कोसाइन 3x प्लस 7 का है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि वाकई ये बात जो है बिल्कुल जो है वो ठीक है, दुरुस्त है। आप इसमें x फर्ज कर लें कि अगर हम 30 डिग्री पुट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आप मतलब अपनी वेरिफिकेशन के लिए देख सकते हैं कि वाकई ये बात दुरुस्त है। तो यहाँ पर हम यूँ कहेंगे कि चूँकि 2 पाई अगर फर्ज करें, हम इस लिहाज से इसको समझें कि अगर कोसाइन सिंपल 3x प्लस 7 में हम 2 पाई ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो अब ये जो 3x एंगल है बेसिकली इसके ऊपर बात हो रही है कि ये जो भी एंगल है, ठीक है, इसके लिहाज से जो 2π/3 है, सॉरी 2 पाई है, वो भी इसी मतलब एक मतलब आप समझ लें टर्म के तौर पे आना चाहिए, ठीक है। और फिर हम उस लिहाज से देखेंगे कि आखिर x में कितना एंगल ऐड किया जाए, ठीक है, कि जो ये फंक्शन है ये अपनी वैल्यू दोबारा दोहराए, ठीक है। तो इस लिहाज से फिर हम जो एक्चुअल इसमें पीरियड होगा वो इस x को देखते हुए करेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर x में ऐड किया है, इस तरह से नहीं किया जैसे यहाँ पर मैंने ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इससे 2 पाई जो है वो पीरियड नहीं हो सकता, ठीक है, हमने x वेरिएबल के लिहाज से देखना है, तो हम इस लिहाज से फिर यहाँ पर जब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, हम इसको मार्क कर देंगे। यानी अगर फर्ज करें कोसाइन x/3 होता तो इसका पीरियड क्या बनता, यहाँ पर याद रहे कि हमने फिर x ही को देखना है कि x में क्या नंबर मतलब ऐड किया जाए, तो इसके लिए फिर हम यूँ लिखेंगे कि कोसाइन x/3, ठीक है, अब हमें पता 2π पीरियड है लेकिन वो तो x हो तो तब होता, अगर x/3 है तो फिर हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और 1/3 कॉमन ले लेंगे और x प्लस हमें पता चल जाएगा कितना पाई एंगल ऐड करना है हमने x में, तो वो 6 पाई एंगल बनता है, ठीक है, होगा वो 2 पाई लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर चूंकि ओवरऑल जब x के लिहाज से देखेंगे तो फिर हमें वो 6 पाई बताना होगा, तो हम कहेंगे इस फंक्शन के लिए फिर 6 पाई पीरियड जो है वो होगा जब हम कोसाइन x/3 की बात करेंगे। इसमें बेशक जो नंबर 7, 10, 11 ऐड भी हो रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीरियड x के लिहाज से हम देखते हैं कि x में कितना एंगल हमें पॉजिटिव एंगल ऐड करना है। नेक्स्ट MCQ सॉल्व करते जी। इसकी स्टेटमेंट है कि एम्पलीट्यूड ऑफ -17 साइन 14x is equal to, यानी यहाँ पे ये बात याद रहे कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है जो कि ग्राफ ने मतलब अपनी लोएस्ट और हाईएस्ट
वैल्यू के दरमियान जो है वो अटेंड किया होता है। ठीक है, यानी इस बात को मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे हमारे पास वैल्यू आती है फंक्शन की, ठीक है, जैसे साइन ऑफ, हम अगर फर्ज करें पाए बाय टू की बात करते हैं 90 की, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब माइनस 17 जब, चूंकि यहाँ पे तो हम जो एक्स लिखेंगे, फर्ज करें एक्स लिखने से 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पाए बाय टू एंगल बन जाता है। ठीक है, तो साइन फंक्शन वैल्यू देगा 1, 17 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल जो इस फंक्शन की वैल्यू बनेगी वो माइनस 17 बन जाएगी। लेकिन चूंकि ये एक डिस्टेंस होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या होगा, वो एक यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा और वो हम इसको मार्क कर देंगे कि ये हमारा आंसर है। यानी अगर इसी बात को मैं ग्राफिकली समझा दूँ आपको तो वो इस तरह से है कि जैसे फ़र्ज़ करें हम साइन फंक्शन के हवाले से बात करते हैं, ठीक है, ये मैं भी साइन फंक्शन का ग्राफ जो है वो आपसे शेयर कर लेता हूँ, बल्कि स्क्रीन पर मैं इसकी एक पिक्चर आपसे शेयर कर देता हूँ जी। आप ये देख सकते हैं कि इस साइन के जो एक हाफ है, यानी इस हाफ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इसमें हमारे पास चूंकि इसका जो पीरियड है वो 2π, जैसे मैंने बताया कि 0 से लेकर 2π तक ये इसका एक पीरियड, और इसका ये एक हाफ है। अब इस हाफ में जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आई है, 1, और मिनिमम वैल्यू का ये 0। तो ये जो वर्टिकल ये डिस्टेंस है ये बेसिकली एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड अगर 1 था, मैंने जैसे बताया साइन 90, तो उसको 1 जब 17 से मल्टीप्लाई तो माइनस 17 है, चूंकि ये पॉजिटिव हम लेते हैं इसलिए 17 था। तो इस बात को मोर जो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ग्राफ का इस्तेमाल किया ताकि आपको मेरी बात क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एक्स देन वैल्यू ऑफ एक्स इन रेडियन इज व्हाट, यानी इनमें से वो कौन सा एंगल है जिसको मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पर लिखूँ या राइट साइड पर लिखूँ, दोनों फंक्शन सेम वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो देखें पाई बाय टू पे नहीं हो सकता क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है लेकिन कोसाइन 90 की वैल्यू 0, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, पहला ऑप्शन स्किप हो जाएगा। पाई बाय थ्री का मतलब 60 डिग्री है, कॉस 60 की वैल्यू होती है जी अंडर रूट, सॉरी साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, और कोसाइन 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब ये भी बराबर नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स के तहत हम कह सकते हैं कि बराबर नहीं है, इसलिए इसके बाद नेक्स्ट आप देखें साइन 0 की वैल्यू 0 होती है जबकि कोसाइन 0 की वैल्यू 1, तो 0 1 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन को देखें पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री पे होती है वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 साइन की, और कोसाइन की वैल्यू भी सेम 1 ओवर अंडर रूट 2 होती है, इसलिए हम कहेंगे कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है और हम इसे मार्क कर देंगे।